हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ासन में स्वागत है। और आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 63 करने वाले हैं, जो कि 4 नवंबर के लिए। हम इसमें पढ़ेंगे बेटा कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना। ठीक है, हम प्रत्यक्ष विधि पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए बेटा क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं जो उसने हमें दिया है। कहता सांख्यिकी में कल्पित माध्य विधि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। जब वर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो उनका माध्य ज्ञात करने के लिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। कहता है जब एक्स आई और एफ आई के मान बड़े होते हैं, जब एक्स आई और एफ आई के मान बड़े होते हैं और हमें गुणा करने में तकलीफ होती है, तो हम कल्पित विधि का यूज़ करते हैं। तो इनके गुणनफल ज्ञात करने जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है इनके, वह इससे में समय भी अधिक लगता है। यह विधि गणना को सरल बना देती है। और यह विधि क्या होती है, गणना को सरल बनाती है। कहते यदि एक्स आई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन एन वर्ग वाले वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह और एफ वन एफ टू एफ थ्री उनकी संगत बारंबारता हो तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होगा बेटा, ये होता है। पहले हम एक्स बार यानी कि माध्य बराबर होता है ए यानी कि कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये हमारा सूत्र है बेटा कल्पित विधि का। ठीक है, तो ए का मतलब आप देख लीजिए, ए का मतलब आप जानते हैं, ए का मतलब क्या है जी आपका कल्पित माध्य। एफ वन आयथ वर्ग की बारंबारता होती है ये एफ आई, डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए आई आई एच टी एच, ठीक है जी, एक्स आई से विचलन, इसे विचलन कहते हैं भैया, एक्स आई माइनस ए करके प्राप्त होता है। सिग्मा एफ आई एन के प्रेक्षणों का योग, एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, मध्यमान कैसे निकालते हैं, इनके वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा के बट्टे में 2 कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, और इसने कुछ तरीके दे रखे हैं हमको, हम उन तरीकों को देखते हैं कि हमें किन को फॉलो करना है, चरण क्या है हमारे। तो कहता है कल्पित माध्य विधि निकालने के लिए चरण, ये आपको चरण दे रखे हैं। सबसे पहले 5 स्तंभों वाली एक सारणी बनानी होती है। ठीक है, 5 स्तंभ वाली क्या करना था, हम एक सारणी बना लेते हैं। प्रथम स्तंभ में प्रश्न में दिए गए वर्गांतराल भरिए, वर्गांतराल भर लेते हैं क्लास इंटरवल। दूसरे वर्गांतराल में संगत बारंबारता यानी कि एफ आई भर लेते हैं। तीसरे वर्गांतराल में वर्ग चिन्ह यानी कि मध्यमान हम निकाल लेते हैं, जो कि एक्स आई से दर्शाया जाता है, भर लीजिए। उसके बाद एक्स आई के बीचों बीच के मान को कल्पित माध्य, एक्स आई के जो बीच में मान होगा हमारा, उसके बीच में जो होगा एक्स आई के, उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। ठीक है, सामान्यतः ए से दर्शाते हैं उसको। फिर डी आई निकालते हैं, चौथे स्तंभ में डी आई निकालते हैं। डी आई कैसे निकलता है बेटा, एक्स आई माइनस ए करके, अर्थात वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य का अंतर। फिर सातवें में आखिरी स्तंभ के अंदर एफ आई डी आई का टोटल कर लेते हैं, यानी कि एफ आई डी आई की क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब माध्य निकालने के लिए सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए बेटे, उदाहरण देखते हैं पहले हम किस तरह से इसका उदाहरण है। देखिए उदाहरण 2, इसमें उदाहरण 1 कहीं नहीं, यही पहला उदाहरण है, समझ लीजिए आप, यही आपका क्या है, पहला उदाहरण है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, कहते हैं निम्नलिखित सारणी एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं और विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण के बारे में जानकारी दर्शाती है, कि कंपनी में कितने विभागों में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या में दर्शाती है। कहता 5 से 15% जो महिलाएँ हैं वो एक ही विभाग में काम कर रही है, 15 से 25% 25 से 35% 4 विभागों में लगे हुए हैं जी, 35 से 45% भी 4 में, 45 से 55% 7 विभागों में, 55 से 65% जो महिलाएं 11 विभागों में लगी हुई हैं, और 65 से 75% 6 विभागों में। कहता कल्पित माध्य विधि से महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य विधि से निकालना, तो हमें वही जो हम सीख चुके हैं कि हमें 5 तो सबसे पहले क्या बनाने, स्तंभ बनाने हैं, जो 5 स्तंभ देखिए बना रखे हैं हमने ये। ठीक है जी, ये 5 स्तंभ है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सी आई यहाँ लिख रखा है बेटा इन्होंने, सी आई निकाला जो दे रखा था, एफ आई लिख दिया जो दे रखा था, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं बेटा, जोड़कर आधा, 5 और 15 का जोड़ 20, 20 का आधा कितना हो गया 10। फिर मैंने आपको बताया था जितने का गैप है, 10-10 का गैप है, तो 10-10 जोड़ते ही 20 हो जाएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 10-10 हो गया, जोड़ दिया। फिर उसके बाद कहा गया था कि जो मध्य मान होता है उसे ए मान लेते हैं, जो एक्स आई का माध्य होता है उसे कल्पित माध्य मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए हो गया हमारे पास 40। ठीक है, उसका डी आई निकालेंगे, डी आई का मतलब बताया था एक्स आई माइनस ए, एक्स आई हमारे पास 10 है,
और ए हमारे पास 40 है, तो 10 में से 40 गया तो मान इसका 30, फिर 20 में से 40 गया तो 20, 30 में से 40 गया, क्यों एक्स आई बदलता रहेगा, ए तो फिक्स रहेगा, ठीक है, 40 में से 40 गया 0, फिर 50 में से 40 गया तो 10, 60 में से 40 गया तो 20, ठीक है, एक्स आई माइनस ए क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, 70 में से 40 गया तो 30, ठीक है। उसके बाद एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई, ये रहा एफ आई और ये रहा डी आई, 30 एकम बटा कितना हो गया ये 30 हो गया, ठीक है, 20 दूनी कितना हो गया 40 हो गया, 40 धाम कितना हो गया 40 हो गया, और सॉरी 4 जीरो जीरो हो गया, 7 धाम 70 हो गया, 11 की 20 से करेंगे तो 220, और 6 की 30 से करेंगे तो 180। अब आप यहाँ माइनस माइनस वाले अलग जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 110 हो जाएगा माइनस माइनस का, ठीक है बेटा। ये प्लस प्लस वाले आप अलग जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 0 17, 470 हो जाएगा बेटा, कितना 470, 470 में से 110 गया तो 360 बचेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, और एफ आई का टोटल कर लिया कितना 35, तो फॉर्मूले लगा दिया माध्य का, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो ए है हमारे पास 40, एफ आई डी आई है 360 और एफ आई है 35, 35 से 360 क्या कर दिया भाग कर दिया तो 10.8 आ जाएगा बेटा, 40 प्लस में है तो कितना हो गया 50.28 लगभग, ये महिला खर्चा जो क्या हो गया बेटा औसत आ गया, माध्य आ गया, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया था उसने हमें, देखिए ये हमारा कहता है कल्पित माध्य विधि से निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, कल्पित माध्य विधि से निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना, वर्गांतराल 2 से 8, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32, ठीक है, बारंबारता आपको दे रखी है 6 3 12 11 8। सबसे पहले क्या करेंगे हम वर्गांतराल लिखते हैं सी आई, यानी के क्या लिख देंगे जी हम सी आई, ये आपका क्या है सी आई है, ये आपका एफ है, सी आई दे रखा है, एफ भी दे रखा है, एक्स आई निकालते हैं, कैसे निकलता है जोड़कर आधा कर देते हैं, 2 और 8 10, 10 का आधा कितना हो गया 5 हो गया, फिर हमने देखा 6 6 का गैप है तो 6 6 जोड़ दो, 5 और में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29, एक्स आई इस तरह से निकाल लेते हैं हम, ठीक है, जो गैप होता है हम उसी को नोट कर लेते हैं। फिर डी आई निकालते हैं, डी आई का तरीका क्या है जी आपका, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई ए है, एक इसको माने बीच वाला मानते हैं, 17 मान लिया तो 5 में 17 गए तो 12, 11 में 17 गए तो 6, 17 में 17 गया तो 0, 23 में 17 गए तो प्लस का 6, 29 में 17 गए तो 12, ठीक है, ए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम क्या माइनस करते हैं, ए माइनस करते हैं, जितने भी एक्स आई हैं सब में से बारी बारी से ए माइनस कर देते हैं। फिर एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई क्या कर देंगे हम गुणा, 12 6 72, 6 की एफ से करेंगे तो 6 एफ, 12 की 0 से करेंगे 0, 11 6 66, 12 8 96, ये माइनस माइनस वाले जोड़ देंगे और ये प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद हटा देंगे प्लस वाले में से माइनस वाले, तो 90 माइनस 6 एफ हमारा रह गया। उसके बाद सीधे सीधा फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है, तो माध्य में उसने खुद ही दे रखा है, माध्य कितना दिया था हमको, माध्य नहीं दिया बेटा, तो माध्य इसमें गलती है इसकी, माध्य देगा वो जब भी कुछ नहीं नहीं देगा बेटा, एफ 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 कैसे आ रहा है बेटा, एफ अननोन वैल्यू है बेटा, ये 3 नहीं है बेटा, ये 8 14 में क्या है, ये 3 नहीं है क्या, ये हमारे पास ये एफ है, ये क्या था एफ है बेटा, ठीक है, एफ लिखा हुआ यहाँ पे, और जब भी एफ कोई लुप्त होगी बारम्बार तो हमेशा वो माध्य देगा, यहाँ पर माध्य है आपका 18.8 बेटा, माध्य कितना है हमारा 18.8 है, ठीक है, जो उसे देना चाहिए था, तो देखिए नीचे लिख रखा है, लेकिन उसने माध्य का फॉर्मूला हम जान गए, जब माध्य का हम फॉर्मूला जान गए तो माध्य बराबर ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपन में सिग्मा एफ आई, माध्य कितना 18.8 वो रख दिया, ए है हमारे पास 17, एफ आई डी आई 90 माइनस 6 एफ ई आई है, और एफ कितना है 37 प्लस एफ, ठीक है, संख्या संख्या एक तरफ 17 इधर ले आएंगे बेटा, ये हो गया, ये ऐसे ही रहा हमारे पास, 18.8 में 17 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, इसने कॉमन ले रखा है 1.8 कॉमन ले लिया तो 1.8 बचेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, और 37 प्लस एफ इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, अब 37 प्लस एफ की 1.8 से क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी आपने, तो इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद एफ एफ वाले एक तरफ संख्या संख्या एक तरफ कर देंगे आप, सॉल्व कर देंगे तो आपका 3 आपका एफ आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको अभ्यास के प्रश्न है, तो अभ्यास के प्रश्न करने के लिए बेटा हम चलते हैं बोर्ड की तरफ, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है बोर्ड पर, तो देखिए बेटा अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे, तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है
कि नीचे एक तालिका दी गई है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। एक इलाके में 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च आपको दे रखा है, ठीक है, 100 से 150 रुपये, 150 से 200 रुपये, 200 से 250, 250 से 300, 300 ये आपको दैनिक खर्च है। कहता तो कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए, कि दैनिक व्यय का क्या निकालना है बेटा, माध्य ज्ञात करना है। ये खर्चा है आपका, ये दो परिवारों का इसके बीच में है, जो पांच परिवारों का इसके बीच में है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, XI यानी कि मध्यमान निकालते हैं, जोड़ के निकालते हैं, जोड़ के आधा कर देते हैं। ये होगा 250, 250 का आधा कितना हो गया बेटा, 125, कितना हो गया, 125 हो गया। अब मुझे पता 50-50 का अंतर है, तो 50-50 जोड़ दूंगा बस मैं इसके अंदर। ये हो गया 175, 50 जोड़ दूंगा 225, 275 और 325। चाहो तो जोड़ के क्या कर लीजिए, आधा कर लीजिए। फिर उसके बाद बेटा हम निकालते हैं डी। डी होता है XI - A। अब ए क्या होता है, ए होता है बेटा कल्पित माध्य। ए ही क्या होता है हमारा, कल्पित, कल्पना करते हैं, एज्यूम्ड मीन। ए किसको मानते हैं हम, जो एक्स के बेटा बीच में होता है, जनरली हम उसको मानते हैं। अगर एक और संख्या यहाँ होती तो हम इन दोनों में से किसी को ही मान लेते। अब बीच में कौन आ रहा है, 225, 225 मैंने ए मान लिया। अब मुझे क्या करना है, XI में से ए माइनस करना है। XI मेरे पास यही है, तो 125 में से 225 गया तो कितना बचा बेटा, माइनस का 100 बचेगा। 175 में से 225 गया तो माइनस का 50 बचेगा। 225 में से 225 गया तो 0, 275 में से 225 गया तो 50, 325 में से 225 गया तो 100। उसके बाद क्या करना है मुझे, FIDI की गुणा कर लेनी है। FI और DI, 100 चौक कितना हो गया बेटा, 400, 5 5 25 ये हो गया बेटा 250। 12 की 0 से करेंगे तो 0, 50 दुनी हो गया आपका 100, और 100 दुनी हो गया आपके पास 200, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, इनका टोटल कर लीजिए, सिग्मा FIDI क्या है बेटा, ये आपका सिग्मा FI और DI, F का टोटल कर लीजिए सिग्मा FI, ठीक है। तो इसका टोटल करते लेते हैं पहले बेटा, 2 2 4 12 16, 16 20 25 कितना हो गया बेटा, 25 हो गया ये तो, ठीक। इसका टोटल अलग अलग कर लीजिए, माइनस वाले का हो जाएगा बेटा 650, ठीक है, प्लस वाले का हो गया 300, तो 650 में 300 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 350। तो माध्य का फॉर्मूला आपका क्या है, आपका ए प्लस में सिग्मा FIDI पटे में सिग्मा FI, ये तो पट रखा बेटा, ठीक है। तो माध्य हमें निकालना है, ए है हमारे पास 225, FIDI कितना मेरे पास, माइनस का 350, ठीक है जी। FI कितना मेरे पास, 25, तो 25 से बेटा 350 काट देंगे, कितना आ गया हमारे पास, ये 225। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, 25 से कम 25, और 25 चौके 100, हटा दीजिए 225 में से 14 गए तो बचेंगे आपके 211। ये आपका माध्यमान आ गया बेटा, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आज का देखते हैं बेटा अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न कहता है, निम्न बंटन एक इलाके के बच्चों का दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। इलाके के बच्चों का जो दैनिक रोजाना का जेब भत्ता है वो दर्शाता है। यदि औसत जेब भत्ता कितना है जी, 18 रुपये है, इसका हम यहाँ पे औसत यानी कि माध्य बेटा दे दिया है। तो मुफ्त, तो लुप्त, तो बारंबार, तो एफ ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है बेटा, जो बारंबार तो एफ है, जो लुप्त है वो हमें ज्ञात करनी है। इसका औसत माध्य कितना दे रखा बेटा, हमें 18 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले XI निकालेंगे, मध्यमान जोड़कर आधा कर देते हैं, 11 में से 13 गया तो 11 और 13 कितना हो गया, सॉरी 11 और 13 हमारे हो गए 24, 24 का आधा 12, कितना हो गया 12, ठीक है। उसका दो दो का गैप है सब में, तो दो दो जोड़ते जाइए, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, माध्य मान लेते हैं, माना सॉरी ए मान लिया हमने, कल्पित कर कल्पना कर लेते हैं कि ए कितना है जी, बीच वाला कर लेते हैं, कितना मान लिया हमने, 18 ही कर लिया, ठीक है। जब ए हमारा 18 हमने मान लिया, तो डी होता है XY - A, यानी कि 12 में से 18 गए तो माइनस का 6, 14 में से 18 गए तो माइनस के 4, 16 में से 18 गए तो माइनस का 2, 18 में से 18 गया तो 0, 20 में से 18 गया तो 2, क्योंकि XI - A है, XI तो ये है, ये तो फिक्स ही है, ठीक है। 22 में से 18 गए तो 4, 24 में से 18 गए तो 6, ये हो गया हमारे पास। बस अब इसकी क्या कर लेंगे, FIDI मल्टीप्लाई कर लिए, FIA है, DIA साथ छिंग 42 हो गया बेटा।
24 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 13 की 0 से करेंगे तो 0, 2 की एफ से करेंगे तो 2F हो गया, 22, 20, 5 चौक 20 हो गया, 4 छः 24 हो गया बेटा। ठीक है, ये माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 4 14, हासिल लगा 1, 5 और 3 8 84 हो जाएगा माइनस का बेटा। ठीक, हाँ 84 ही होगा ना, ये होगा 6 8 14, हासिल लगा 1 5 और 3 8। ठीक, अब ये जोड़ लीजिए प्लस प्लस वाले, ये कितना हो गया पास 44 प्लस में 2F, 44 प्लस में 2F हो गया, तो 84 में से 44 गया तो कितना बचेगा माइनस के 40, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि माइनस का 84 है, 44 प्लस का तो 40 बचे, और प्लस में क्या रहेगा 2F तो रहेगा हमारे पास। तो बेटा माध्य का फॉर्मूला अभी तक आप जानते ही हैं कि माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक, माध्य हमें दे रखा है कितना बेटा 18, माध्य हमें दे रखा है प्रश्न में, और ए भी हमने कितना माना है हमारा 18, प्लस का निशान एफ आई डी आई कितना माइनस का 40 प्लस में 2F, और सिग्मा एफ आई कितना हमारे पास एफ आई, तो जोड़ा ही नहीं हमने, जोड़ लीजिए देखिए एक बार, ये कितना हुआ 7 और 13 13 13 तो 26 26, और 9 कितना हो गया 35, और 5 40 44 प्लस एफ हो गया ये हमारे पास। ठीक है बेटा, आप अपना तरीके से टोटल कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, संख्या संख्या एक तरफ ले आएंगे, तो जगह नहीं है तो इधर कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, ये 18 इधर आएगा तो 18 में से 18 चला जाएगा, 18 इधर आया तो क्या होगा 18 माइनस 18, और यहाँ कितना रह गया माइनस का 40 प्लस का 2F और बटे में 44 प्लस F, 18 में से 18 गया तो 0, और ये 40 प्लस का 2F और यह है 44 प्लस F। हम ये जानते हैं कि देखिए 44 प्लस एफ की 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ रह गया 40 प्लस 2F, संख्या संख्या एक तरफ, 40 इधर लिया प्लस का होगा, यहाँ पे है आपका 2F, फिर 2 कहाँ जाएगा ये बटे में, तो एफ बराबर आपका हो जाएगा 40 बटे 2, काट डालेंगे कितना आ गया 20, इस तरह से आपका जो आंसर हो गया कितना आपका मान 20 हो गया बेटा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से आ गया होगा, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।